गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयंत नालिकर की अध्यक्षता में मंगलवार को अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति के संबंध में GDA बोर्ड की बैठक हुई। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं और शासन की प्राथमिकताओं को समय रहते पूरा कराने के साथ ही गुणवत्ता युक्त कार्य कराने के लिए GDA सभागार में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व कमिश्नर जयंत नालिकर ने की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अन्नावी दिनेश कुमार, जिलाधिकारी KVN पांडेयन और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड की इस बैठक में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं और महायोजना पर समीक्षा कर जल्द से जल्द योजनाओं को पूर्ण रूप से शासन की प्राथमिकताओं को मानते हुए अधिकारियों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयंत नालिकर ने मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बोर्ड की बैठक में सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम, नियोजन, PWD, कोषागार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सम्मानित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूँ। आयुक्त महोदय की अनुमति से मैं एजेंडा पढ़ रहा हूँ। सचिव आवास का कौन है नामित? आवास के हैं। आपको नामित किया है, इच्छा मिलता है ये आवास निकास का। महायोजना 2021 पूर्ण स्वीकृत महायोजना में भू प्रयोग के लिए प्रमुख निर्माण जो शासन की नीति के अनुसार T125 दिनांक 20 अगस्त 2003 के अनुसार यथावत दर्शाए गए हैं, जिनमें हुए अधिकृत निर्माण शासन की नीति के अनुसार नियुक्तिकरण के उपरांत मान्य होंगे को समाप्त किए जाने के संबंध में पत्र और मान्य होंगे प्रार्थना स्तर पर सुनिश्चित की जाए तथा शासन से मांग दर्शन प्राप्त होने पर आगामी बोर्ड बैठक में अवश्य आ जाए। सर ये संरक्षण का कार्य सर जो है क्या है इसमें? सर ये जब हमारी प्रेजेंट महायोजना 2021 लागू हुई थी, 2007 में लागू हुई थी, तो उसमें कुछ क्षेत्र उन्होंने चिन्हांकित कर दिए थे कि इसका उन्हीं से ही लेआउट करना है। तो इन लोगों को हम लोगों ने इसका पूरा सर्वे करने के लिए पैसा भी दिया हुआ है और इनको नामित भी किया गया है क्योंकि ये लेआउट बना के। तो उन्होंने सर्वे तो कर लिया था सर, काफ़ी कुछ सर्वे किया। सर ये पहले अप्रूव की थी लेआउट बनाने के लिए, तो ये सर उनको डिस्टेरिशन का कार्य किया जा रहा है और कुछ तो लेआउट मैंने कोई तरह की वो निर्माण होता है।